अब हमारे रोहित का टीका हो रहा है यहाँ पे, रोहित की हल्दी। तो गाइज अब अपने भोजन का टाइम हो गया है, यहाँ पे हमारी भी थाली लग चुकी है। फ्रेंड्स मैंने सोचा था मैं आराम से नहाऊंगा यहाँ पर, नीतू पहले ही चली गई ब्रेकफास्ट करने। नीतू ने बताया ब्रेकफास्ट खत्म होने वाला है, अभी सिर्फ 9 बजे हैं। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, हम लोग रुके कोर्टयार्ड बाय मैरिट और यहाँ की पता नहीं सर्विस कैसी है। तो मैं जाता हूँ पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर नहाऊंगा, पानी तो पी लेता हूँ सबसे पहले। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो चुके हैं, आज हम लोग अपना हल्दी वाला आउटफिट पहनेंगे क्योंकि आज ही वाली रसम है वहाँ पे। गाइस मैं गाड़ी भूल गया, हमारी गाड़ी कौन सी है। यहाँ से वहाँ तक अच्छे अच्छे गाने सुनाते हुए जाना, ठीक है चलो। सो गाइस अभी हम लोग आ गए, पहले नीतू और पूनम बहन का थोड़ा सा टचअप होगा और फिर हम निकलेंगे रोहित के घर के लिए। वैसे ये जगह रोहित के घर से बिल्कुल सामने ही है, मतलब रोड के उस तरफ रोहित का घर है, रोड के इस तरफ हम लोग हैं। तो गाइस यहाँ आंटी जी और अंकल जी से मिल लिए, हेलो आंटी जी, हेलो कर दो सबको, हाय हाय। तो ये देख सकते हो आप, स्टार्ट है हमारा पूरा। रोहित तुम बीच में बैठो। आंटी जी नमस्ते। रोहित दादी नमस्ते। दादी जी कैसे हो आप? ठीक है ठीक है। आंटी आप बड़ी प्यारे से लग रहे हो। आंटी प्यारे से लग रही है दादी। हाँ तो भाई दादी आंटी एक ही होता है। अंकल जी नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक है। मतलब फुल गेटअप चेंज एकदम। आपका दूल्हा तो वहाँ है, अभी वो लेने गया था। हाँ आप, हाँ मेकअप वाले को लेकर आया। आंटी जी नमस्ते आप सबको। हाँ यार तुम भी कूटो भाई कुछ। हाँ मैं तो कूट दूंगी। लग रही ना बिल्कुल मराठी। हम भी कूटेंगे। पीसना है कूटना है, पीसना है कूटना है। गाइस देखो बड़े सम्मान के साथ मेरे लिए भी कैप आ गई। कैसे ऐसी ऐसी पहनना ना, मेरे पास है, मेरे पास है ऊपर। हाँ जी पहनो भाई पहनो, बिना कैप के कोई नहीं दिखेगा आज। ये हल्दी सारी लगेगी वैष्णवी को, मतलब उनके घर वालों को लगेगी, है ना? वहाँ पर भी कूटी जा रही होगी, वहाँ वो वाली हल्दी हम लोगों को लगेगी। आंटी नमस्ते नमस्ते। आंटी लखन को मारो, लखन की वजह से लेट हुआ है। दीदी 12 बजे से अंदर करना पड़ते हैं। सिलबट्टा ही बोलते हैं ना इसको, सिलबट्टा उसको। दगर 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 और उसको मतलब दो बोलते हैं। तो इसका नाम है, अंकल ने बताया काड़ू। काड़ू का मतलब क्या होता है अंकल? काला है इसलिए कालू। अच्छा काड़ू, हाँ। कालू मतलब, हाँ ओके। इस हिसाब से तो हमने ब्राउनी का नाम भी ठीक रखा है। गाइस यहाँ देखो आज हल्दी वाले दिन आपको ये दो अजूबे दिख रहे हैं ग्रीन पहन के, और एक्चुअल में क्या है कि पुनीत के पास तो ऐसा कलर था भी, मैंने येलो पहन लिया। बोल रहे कि तू येलो मत पहन क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ है। भाई ने खुद अपना येलो लाना भूल गए तो पुनीत से उतरवा दिया, दोनों ग्रीन में घूम रहे हैं। देखो आंटी ने कितना अच्छे से सब कुछ सजाया, खुद अकेले किया है। देखो ये रंगोली, अंदर रंगोली आओ दिखाए। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये रात में सजेगा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रात में फिर हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओह वाओ आंटी आपने बहुत सुंदर सजाया। एक शॉट इस पे अपने। गाइस ये देखो ये कितनी अच्छी फूलों की रंगोली बना दी है। तो यार भाई आंटी ने हमारी ने 1.5 घंटे में ये पूरा और बाहर वाला दोनों मिला के 1.5 घंटे में कर दिया। तो आंटी के लिए यार क्लैपिंग एक बार। फूलों से बना दिया पूरा। हाय बच्चू, रोहित का मामा की लड़की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बताओ। अच्छा मामी है। क्या नाम है? गार्गी। गार्गी जोर से बोलो। मेरी चाची का नाम भी है। चाची का नाम भी है गार्गी। अच्छा कुत्ते रहते हैं ना, जो पालतू रहते हैं ना कुत्ता, उनको काटते हैं। रोहित का वो फंस गया, उसकी डेथ हो गई, लेकिन रोहित ने कैसे फोटो लगाया वहाँ पे यार। बस इनकी जान नहीं जानी चाहिए, ये भी बहुत लंबे लंबी उम्र तक जीने चाहिए, है ना, ये मरने ही नहीं चाहिए यार। ये देखो गाइस, जंगली बेर आंटी जी लेकर आई है। किससे नशा वशा होता है क्या? नहीं, अच्छा अच्छा। खाली दिखाओ अभी एक-एक ले। ये बेर है, जंगली बेर जो आंटी लेकर आई है। ए भाव खा के दिखा। क्या ये जंगली अच्छा है, खाता होता है सब, खाता है नहीं, ये जब पक जाता है। आंटी जी ने दिए, जब पक जाता है ना तब। और बेर बहुत टेस्टी है ना, टेस्टी नहीं है। मैंने भी खाया, मैंने भी खाया भाई। बट यार बड़ा मजा आया फंक्शन में, हल्दी के फंक्शन में। अभी तो ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो चल ही रहा है ना, शाम को इसे भी पीसा जाएगा। अच्छा इनमें ये है कि भगवान जी के पास रखना है, उसके बाद शाम को पीसना है। हाँ मुझे पता चला। हाँ अच्छा एक चीज और पता चली मुझे कि इस पर शाम को पीसा जाएगा। अच्छा ये ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। ओह वाओ रोहित अंकल मारना मत, उसकी शादी है। नीतू, पूनम, लखन। अगर इस बार आपने दीदी कुछ बोला तो हम चले जाएंगे, हमें लगेगा अपना नहीं मान रहे, अच्छा लगेगा। नीतू नीतू हाँ ऐसे बोलो आप। पूनम हाँ। अभी डांस करेंगे आंटी, हमें अपना डांस दिखाएंगे। मेरे को नहीं आता, हमें भी नहीं आता आंटी। सब रोहित तो अच्छा करता है, उसे खाता है आंटी। रोहित तो अच्छा करता है, उसे खाता है। आओ यार सब लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं। आंटी आ जाओ, अंकल आ जाओ, उसके सामने लेंगे। कैसे हो आप? तो हमारे बीच आई है दीदी जो कि हमारी सारी साड़ियाँ सिलती हैं, मराठी वाली। जो आपने पहले वाला लुक देखा था वो हम यहाँ पर फोटो लगा देते हैं। और जो अभी हम रोहित की शादी में पहनने वाले हैं वो भी दीदी सिल रही हैं। तो दीदी बहुत अच्छी साड़ी सिलती है। जिनको भी मराठी साड़ी से लानी है प्लीज दीदी को कांटेक्ट करो, है दीदी। दीदी आपको गर्मी लग रही है? आई मीन ठंड लग रही है यहाँ पर दीदी? वैसे बहुत गर्मी हो रही है। मैं भी आज पीली कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन गर्मी की वजह से। हल्दी में सब येलो ही पहनते हैं। हाँ नहीं आज मैंने रेड पहना है। रेड भी पहनते हैं, येलो भी पहनते हैं, ये अलग दिख रही है। आपका परफॉर्मेंस है? नहीं ऐसे ही, मुझे लगा उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ प्रैक्टिस तो हमारे डांस है, हम लोग अभी कर ही रहे थे। नमस्कार दोस्तों, तो पूरी लखनऊ की टीम आज हमारे घर पर आई है और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मतलब जो मैंने सपनों में देखा था वो आज मेरे हकीकत में बदल गया है। चलो मैं आप सबको पहले मेरे मम्मी पापा से मिलाता हूँ। ये मेरे कज़न यहाँ पर बैठे हैं, हाय कर दो। हेलो। यहाँ पर सारी खाना वगैरह चल रहा है। यहाँ मम्मी बैठी है, यहाँ पर मामी। ये मौसी है। अच्छा मम्मी की मौसी है। यहाँ पर मेरी नानी है और यहाँ पर मम्मी की फ्रेंड। इनका सब खाना खाने का काम चल रहा है। सब क्या बनाया? जलेबी। हाँ ये माँ की बुआ थे, मेरी माँ की बुआ है। अच्छा ये अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आप भी जलेबी खा लो, मैं भी खा रहा हूँ। यहाँ पर लखनऊ टीम का सब प्रिपरेशन चल रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन मैंने जो सपनों में देखा था, मैं कुछ टाइम पहले मतलब बस व्लॉग देखता था, टिकटॉक पर इन्हें देखता था। उसके बाद देखो आप गाइस, हमारे रोहित भाऊ का व्लॉग कैसा लग रहा है बताना। हम लोग बाहर कुछ और तैयारी कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। रोहित भाऊ को मैंने बोला भाई थोड़ा सा व्लॉग बना, अंदर आंटी अंकल को दिखाई, इतनी सारी तैयारियाँ करी है। वैसे रोहित भाऊ की व्लॉगिंग स्किल्स को रेट करना एक बार भाई हमारा, क्योंकि कैमरे पर आता ही रहता है नीतू के नंद भाई वाली वीडियोज में। लेकिन मैंने सच बताया व्लॉग में अभी, मैंने जब सपनों में देखा था ना कि आप यहाँ आओगे या नहीं आओगे, मतलब मैं पहले तो आपको सपना तो देखा था वैष्णवी का, मैं बता रहा हूँ, बात हमारे पर डाल दी। बट यार क्या वेलकम करा सब लोगों ने, इतना अच्छा लगा। और कमेंट्स भी हम लोगों ने पढ़े, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने करे भाई। हमारी आंटी का जो इमोशनल होने वाला पार्ट था ना, मतलब व्यूअर्स को तो इमोशनल हो ही गए, हम लोग इमोशनल हो गए थे देख के। जब आंटी वो हक करके रोने लगी थी ना, तो यार मतलब होता है कि ना उनको लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन यार बात यह है कि वो बहुत अच्छे से रह रहा है। मतलब उसने हमें अभी तक कोई भी परेशानी नहीं दी यार। ऐसा नहीं है कि परेशानी कोई भी नहीं देता, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे हैं टीम में, तो हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं ऐसी टीम हमें मिली। क्यों भाव? मुझे भी अच्छी टीम मिल गई, इतनी दूर जाके मैं मतलब सेफली फील कर रहा हूं। हमने ये भी बात किया ना कि अब यश को भी हम बुला लेंगे अपने पास। हाँ जल्दी बुला लेंगे, रोहित तो छोटा भाई ना यश, उसको भी अपने पास बुलाएंगे जल्दी। सो गाइस अब टाइम है हमारे लंच का। यहाँ पर वो जलेबी भी है भाई, हाँ मजा आ गया। यहाँ पर खाने की एक से एक चीज है, हाँ आंटी ने बनाई है। क्या खुद से बनाई जलेबी? आंटी जलेबी भी खुद से बनाई है? जलेबी तो बाहर से आई होगी ना। हाँ क्या हुआ इसका वो कार्ड मैंने थोड़ी ना निकाला फिर। हेलो पुनीत जी कैसे हो भाई? पुनीत को यार रूम मिल गया रोहित वाला। यहाँ से बाहर का व्यू देखो आप सही से बंटी सही से। यार मैं सही से धो रही हूँ। अरे जाओ यार क्या हमारे व्यूअर्स को हाथ धोने दिखाते रहोगे व्लॉग में? जा रही हूँ ना मुझे भूख लग रही है। हाँ भाई गाइस बैठ गए हम खाना खाने के लिए। चलो हम भी बैठते हैं। So guys, अभी हमारे को मिला है थोड़ा सा फ्री टाइम और हम लोग 1 घंटा रेस्ट करेंगे। ये सब लोग उधर हैं, पुनीत सैंडी भाई पूनम बहन तुषार और रोहित नीचे हैं, हेंद्र भैया भी नीचे हैं और मैं और नीतू आराम सो रहे हैं। भाई यहाँ लिटरली एसी चलाना पड़ रहा है अपने को। क्यों नीतू एसी का चल रहा है? हाँ और पंखा भी। चलो वेलकम बैक नमस्ते। भाई रोहित कहाँ पर है? हेलो भाऊ वेलकम बैक। कायदे में हमारा होना चाहिए। बहुत अच्छी नींद आई यार कसम से, सच में बहुत ही अच्छी वाली। मतलब 1 घंटे में नहीं तो पावर नैपता है ना मेरे ख्याल से। 1 घंटा सोए हम नहीं ज़्यादा नहीं यार 1 घंटे सोए क्यों नहीं तू? हाँ, लेकिन पूरी थकान चली गई। हम तो कितने लड़े कब लड़े यार सोने से पहले बातें नहीं बना रहे थे हम दोनों। वो तो सब में होती रहती है यार। सो भाई सुबह जैसे कि आपने देखा था अब यहाँ पर दोबारा उस हल्दी को पीसा जाएगा जो सुबह हल्दी फोड़ी थी अब पीसी जाएगी और उसके लिए सारी जो लेडीज़ थी आपने देखा सुबह जितनी भी यहाँ पर थी वो चली गई थी तो वो दोबारा सब लोग आने लगे। इन्होंने प्रोफेशनल जो लोकगीत गाते हैं उनको भी बुलाया है क्योंकि इनके यहाँ ट्रेडिशन ऐसा है। तो अब सब यहाँ पर जमना दोबारा से इकट्ठा हो गया और हम लोग भी टाइम से आ चुके हैं। 1 घंटे का पावर नैप लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोग नहीं सोए बिल्कुल भी? हाँ तुझे क्या बोल के गया था मैं इधर भैया? मैं 360 एडिट कर दिया ना। मैं तेरे को ये नहीं बोल गया था कि 1 घंटा रेस्ट करियो सारे फोन वोन रख के फिर ना बॉडी नहीं तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि हम रात में और एनर्जी में रहते 1 घंटा रेस्ट लेते थे। अब भी एनर्जी में भी बताओ डांस डीजे चलाओ। तुम एक काम करो फिर तुम अपने अपना खून निकाल के ना वो शीशी प्रोटीन की बता के बेचने लगो। कुछ ज्यादा एनर्जी तुम लोगों के अंदर। तू भी नहीं सोया? सब हो गया कब? तू भी नहीं सोया? नहीं ठीक है भाई। हेलो हेलो आंटी जी हेलो हेलो हमारी नानी भी है यहाँ पर। हेलो हाय नीतू जी कैसे हो आप? हेलो दादी जी। सो भाई अब हमारे रोहित का टीका हो रहा है यहाँ पे। हल्दी पीसने वाली रस्म स्टार्ट हो गई है। मैंने देखा है सब कैसे रोहित को वो कर रहे हैं। तो कॉइन है उससे रोहित कैसे कर रहे हैं 5 बार इधर जी नहीं 2 बार। अरे दूसरी साइड भी होता है नहीं तू? अम्मा ने एक साइड किया है अब औरों को भी तो देख। तो दुनिया के सारी खुशियां मिले मेरे भाई। खुशहाल शादी खुशहाल जीवन रहे शादी के बाद। थैंक यू। गाइस ये कुछ नई चीज है आंटी ने बताया यहाँ पे नाम लेना होता है वाइफ को हस्बैंड का। लखन लखन और पोएटिक टाइप में। अच्छा पहले आप एक बार करके दिखाओ फिर ये आप अपने हस्बैंड का करके दिखाएंगे फिर मैं करूँगी पोएटिक वाला। वडाच्या झाडाखाली नागिन इति इसा बाळासाहेबरावांचे नाव घेते तुमचा आशीर्वाद असावा। क्या बोला आंटी ने? उनके पीछे रोहित एक्सप्लेन करो। अच्छा मैं पीछे पीछे बोलो ठीक है चलो। लेकिन आप क्या बोलो? इन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लिया कब? बाळासाहेब लिया ना बाळासाहेब बाळासाहेब बाळासाहेब। हाँ उनके बदले आप आपका तुम्हें एक एक वाक्य बोला मुझे तुमचे मागे। नागिन के 23वा आपके पति का नाम लो नहीं तुमच्या नवऱ्याचं नाव लखन लखनरावांचं नाव घेते लखनरावाचं नाव घेते तुमचा आशीर्वाद असावा तुमचा आशीर्वाद असावा। इसका मतलब क्या है? शुभेच्छा 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 मतलब आशीर्वाद रोहित क्या बोल रहे हैं ये, मतलब ये पोएटिकली के लिए अपने हस्बैंड का नाम ले रहे हैं पोएटिक वर्ड से। ये बोल रहे हैं कि जो होता है ना बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे ना रेस्ट कर रहे हैं और अपने हस्बैंड का नाम लेके। उसमें हिंदी में आपको बताएंगे उसका मजा नहीं आएगा, वो खराब हो जाएगा। लेकिन वो राइमिंग में ऐसा बोलेंगे कि वो आपके हस्बैंड का नाम उसमें आ जाएगा ऐसा। और बोलो एक बार नाम ले लो ना। लखन हो गया, अब आप बोलो। चलो आप बोलो। हिरव्या राहणार चरत होते हरण, चरत होते अरण, हरण हरण राजाराम रावांचं नाव घेते, लखन रावत रावांचं नाव घेते, रावतचं नाव घेते, हळदीचे कारण, हल्दीचे कारण। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। कृष्णाची राधा, शुभमची स्नेहा। उसको मराठी उखाना बोलते हैं। मराठी उखाना, उखाना उखाना मराठी पढ़ना आता है नहीं, मराठी पढ़ना भी नहीं आता, लिख कर भी नहीं आता। इंग्लिश में भी आता है, इंग्लिश में अच्छा क्या ना सर्च होएगा इंग्लिश में। चांदीच्या वाटीत सोन्याचा चमचा, भुवनेश रावांचं नाव घेते, द्या तुमचा आशीर्वाद। रोहित मेरी हेल्प कर रहा है। मराठी में क्या बोलूं इसको? नहीं, हिंदी में ही बोलो। अच्छा लक्ष्य नहीं तुम्हारे लिए। अच्छा आपको हिंदी समझ आता है? हिंदी समझते हैं। चांद से चांदनी होती है सितारों से नहीं, प्यार लखन तुमसे हुआ है हजारों से नहीं। भाई वाह। ये किसने लिखा? गूगल से निकाला रोहित ने। रोहित शादी से पहले नको। एक और है, एक और है। अरे कितने बोलेगी, हो गया। मेरे संग भी बीतेंगे पर तेरे सुनहरे क्या है सुनहरे दोबारा बोलूंगी। मेरे संग भी बीतेंगे पर तेरे सुनहरे लखन तुझे खुश रखूंगी, वादा ये रहा मेरा सब। ये मौसम है रंगीन और रंगीन शाम, आप सभी के सामने लखन जी के लेती हूँ नाम। हटो इसको, गाना गाते हैं। अब हम गाना गाएंगे ना, कौन सा बताओ? मैं गाऊंगी। सारे मराठी गाने, सारे भाग जाएंगे। मत सैंडीज गाना। मेरा तो गाना सुन के और भाग जाएंगे। थोड़ा सा बता। डगा लागला नहीं लागली, जल्दी मेरी आवाज में। मेरी तो बहुत बुरी आवाज है। चल बोल भाई गाना ना। डगा लागला नहीं लागली कड़ा पानी थे। बिल्कुल सही गाया नहीं मैंने। सही गाने का हल्दी का गाना, हल्दी वाला। हल्दी लगा लो, नहीं चलेगा काम। आज बोले चल आप बोलते, हम आपके पीछे रिपीट करेंगे। हाँ सही बैठ, ये बैठ सकता है ना? तुम भी बैठो, मैं बैठ रहा हूँ। भाऊ, यहाँ हमें भी पता चला है बाहर गाने बज रहे हैं और यहाँ पर एक पार्सल आया है जो कि बड़ा स्पेशल है। इसमें हमारे दूल्हे का फेटा है। फेटा किसको बोलते हैं भाई? फेटा यानी पगड़ी। पगड़ी, हाँ। चलो दूल्हे राजा खोलो अनबॉक्सिंग। नहीं नहीं तुम ही खोलो भाई। हाँ चलो भाई, ये रोहित की सबसे ज्यादा स्पेशल अनबॉक्सिंग होने वाली है। देखकर आप लोग एक्सप्रेशन गाइस देखो रोहित ने कितना बड़ा छुरा निकाला, दिखाइए भाई। इसमें पक्का सहरा ही है ना। ये बात हमारे दूल्हे राजा, क्या बात है भाई। तो पहन के दिखा दे, लगा के दिखा दे। नहीं नहीं वो ठीक लग जाएगा उसके। क्या लग जाएगा? अंदर से हो जाएगा। वाह गाइस, दिल थाम के बैठ जाओ। हमारा रोहित ये भाई देखो, जो भी ब्लॉग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ही देख के ताली बजा दो। हमारे दूल्हे राजा का पहला लुक हमने आपको दिखा दिया है। वाह रोहित, चेहरे के साथ भी चश्मा पहनोगे? क्या कह रहा है? चश्मा पहनोगे? अब अभी दिखाओ, अभी देखा था दूल्हा। हाँ ऐसा। और ये भी साफ करो ये। अरे उसे पिटवाएगा क्या? है हाँ, अभी पिटवा रहा है उसको। बाहर निकलते आंटी थपड़ा देंगे उसे। वह जब टाइम आ गया ऐसे निकलने का, और जाने से पहले पुनीत ने कुछ बताया सैंडी भाई की क्या क्या कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है जैसे भैया ने बोला ना, अब वो होती है भैया के टाइम पे, भैया ने बोला सैंडी भाई, बस ऐसे हाथ रख दिया सैंडी भाई क्या ऐसे खींच के बोलेगा फिर उसको। भाई ये क्या करता है यार, ये क्या करता है यार, अंडरटेकर बन जाता हूँ। देना है क्या आंटी जी? आंटी जी देना है ये? अरे भाई क्या बांट रहे हो? ये सब्जी है, लेना है आंटी जी? मुझे लग रहा है लखन भैया का हाथ से कोई लेना नहीं चाहता भाई, किसी ने लिया ही नहीं। अभी फुल है, फुल है अभी। तो यहाँ पर भी खाना चल रहा है और हम लोग खाना बंटवा रहे हैं। एक अच्छी टीम लग गई अपने काम पर भाई। एक तो यहाँ की सब्जियाँ इतनी टेस्टी बनाई हुई हैं, सारी होम कुकड है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हलवाई वगैरह लगे हुए हों, सब घर की लेडीज़ ही बना रही हैं। और इतना टेस्टी खाना बनाया मैं क्या बताऊँ आपको। वाह पुनीत, बुआ जी फूफा जी देख रहे होंगे, बड़ा अच्छा लग रहा होगा इस टाइम उन्हें। और दे दूँ? जबरदस्ती भी नहीं रखना पुनीत, कैसा कहा? जबरदस्ती नहीं रखना। क्या बोलता है? मैं सांगला ही बोलता हूँ, मुझे तो पता है। मारेंगे हमें भी। चांगला है बेटा। देखो मैं पूछूं सबसे, ये सब समझते हैं भाई। नीतू बांट रही है और आंटी मजे ले रही है। एकड़े देवका सब्जी, देवका आपने पूछे नहीं उनको कैसे बनाए सब्जी, कैसे बनाए? मराठी में कैसी डाली भाजी? कैसी डाली भाजी? आपको नहीं? आपको? आपको? और जो हल्दी पीसी थी उसको दोबारा से ऐसे कपड़े में ढक दिया है। यहाँ पर आप देखो डेकोर हो गया सबका। चावल 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 किसी को चाहिए? ऐसे करते जैसे बस में करते हैं ना, हाँ ट्रेन में। चावल तो है नहीं, तू देती क्या इसमें से भाई? हमारे आंटी अभी भागते भागते आई कि बेटा खाना चलेगा या बाहर से लाओ आंटी, मतलब बाहर से नहीं, यही वाला खाना बहुत अच्छा बनाते हो आप। सब आंटी की तारीफ कर रहे हैं भाई, और आंटी खुद से कर रहे हो आप ये सब, है ना? हाँ। हमारी आंटी जी ने सबके लिए खाना बना दिया। सुबह से मैं देख रहा था कहाँ गायब थी, अब जाके पता चल रहा है कितने सारे लोगों का पेट भर दिया। हैट्स ऑफ, सलाम। मैंने चूड़ियाँ पहन ली है काफी सारी, बट अब मेरे साइज की चूड़ियाँ पर खत्म हो गई है ना? मेरे साइज की चूड़ियाँ इसमें है नहीं, वरना वैसे इतनी चूड़ियाँ सही रहती हैं। बट नहीं निकालने का है ये सोचो, 5 दिन नहीं निकालने का। चलो अब मैं 5 दिन चूड़ियाँ नहीं निकालूंगी, ठीक है? मुझे तो एक बहाना मिल गया। कितनी सुंदर लग रही है यार, और मेरी मम्मी का टैटू भी कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी लगन देखो कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर लग रहा है? ग्रीन कलर तो तेरी मम्मी को पसंद है सबसे ज्यादा, है ना? हाँ मेरी मम्मी को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, उनके लिए ले ले। अपने भोजन का टाइम हो गया है, यहाँ पे हमारी भी थाली लग चुकी है। चलो भाई स्टार्ट। बाकी लोग कहाँ गए? आ जाओ तुषार, बैठो सैंडू भाई। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा आज का व्लॉग लगा हो, लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले एक क्लिप बहुत अच्छी है जो कि आप देखना, उससे पहले लाइक कर दो, भूलना नहीं। कल मिलेगा आपको नया व्लॉग। कल थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले आसपास की जगह, मीटअप भी रखा है हमने। बाय बाय। लेकिन अब ये क्लिप है, उससे पहले लाइक कर दो, अभी कर दो, ठीक है।